उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवास्सदा दुःखितान् दद्रेयो प्रतिमां पर्वशश्चैतन्यमूर्तिपराम् कैवल्याधुनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्यशरणो नान्तं निशं पातु मां श्रीगोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भक्त वांछा कल्पतरु अहेतुक अपने भक्तों पर अपनी कृपा की वृष्टि करने वाले पीताम्बर धारी बाल लीलाओं से ललित जीवात्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होकर आज के विषय में प्रवेश प्राप्त करते हैं। अखिल ब्रह्मांड को एवं संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवात्माओं को एवं संपूर्ण ब्रह्मांड के अन्य शास्त्रों को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आज श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा, तो उसकी अवतरणी का कुछ अंश में यहाँ पर देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को सांख्य योग एवं कर्म योग का निरूपण किया हुआ है कि जीवात्मा और शरीर का भेद कैसा रहता है और कर्म योगी के लक्षण कौन कौन से होते हैं। ऐसा वर्णन करते 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 भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जैसे ज्ञान की गहराइयों के अंदर जा रहे हैं, वैसे ही अर्जुन भी ज्ञान की गहराई के अंदर प्रवेश प्राप्त करने के लिए उद्यत होता है, प्रयास करता है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से बहुत प्रश्न करे, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। तो द्वितीय अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो राजा तुझे दिखाई दे रहे हैं क्या ये आज से पहले नहीं थे, और जब इनकी मृत्यु हो जाएगी उसके पश्चात क्या ये नहीं रहेंगे, अर्थात ये अब से पहले भी थे और आने वाले समय में भी रहेंगे, इसीलिए न शोचितुम अर्हसि, इसीलिए हे अर्जुन तेरे लिए शोक करना व्यर्थ है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा। तो इसका तात्पर्य कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, दुर्योधन इत्यादि राजे, गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि जो ऋषिजन हैं, अर्जुन इत्यादि, ये पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे, ऐसा एक कुछ अंश परमात्मा ने वहां पर निरूपण किया था। तो अब चौथे अध्याय के अंदर जिस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योगोना, अर्थात इस अध्याय के अंदर ज्ञान कर्म और संन्यास इन तीन वस्तुओं का परमात्मा ने निरूपण किया हुआ है। वास्तव में यह निरूपण ज्ञान का, कर्म का और संन्यास का पहले अध्यायों में भी हो चुका है, लेकिन मुख्य रूप में इस अध्याय के अंदर इन विषयों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से करते हैं। और इसी अध्याय के अंदर परमात्मा ने अपने दिव्य गुणों का भी वर्णन किया हुआ है कि परमात्मा के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं और सन्यास क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या रहता है, ऐसे बहुत सारे रहस्यात्मक विषयों का वर्णन हमें इस चौथे अध्याय के अंदर प्राप्त होता है। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् वयं विवस्वान् मनवे
प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान वाच भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले कि हे अर्जुन, अहम मैंने इमम इस अव्ययम अविनाशी योगम योग को अर्थात कर्म योग को विवस्वते सूर्य से प्रोक्तवान कहा था, अर्थात पहले समय के अंदर पुरातन समय के अंदर मैंने इस अविनाशी कर्म योग को जो सूर्य है उसे निवेदन किया था, उसे निरूपित किया था। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से निरूपण किया, अर्थात उसे बताया। मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को ये कहा। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस योग का वर्णन निरूपण मैंने तुझे अभी बताया है, अभी किया है, ये योग अभी का नहीं है, ये कैसा है, पुरातन। तो पुराने समय के अंदर पहले ये अविनाशी है जिसका किसी भी काल के अंदर नाश नहीं होता, ऐसा ये कर्म योग है। तो ये कर्म योग सबसे पहले मैंने राजा सूर्य को बताया, उसके पश्चात राजा सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया, ऐसे ये ज्ञान परंपरा से चलता आ रहा है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्। तो यहां पर सबसे पहले सूर्य को मैंने ज्ञान दिया, तो यहां पर ध्यान रखना है जिस सूर्य देवता का हम श्रवण करते हैं, जिस सूर्य को हम देखते हैं, यहां पर ये सूर्य दोनों अभिप्रेत नहीं है। ये सूर्य कौन है? सूर्य नामक राजा। यहां पर ये ध्यान योग्य बात है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान केवल जीवात्मा ही ग्रहण कर सकता है। परमात्मा के ज्ञान के लिए देवताएं ब्रह्मंडस्ता विग्रह इत्यादि जो है वो अधिकारी नहीं है। इसीलिए यहां पर सबसे पहले मैंने अपना ज्ञान सूर्य को प्रदान किया, अर्थात जो सूर्य नामक राजा है उसको मैंने अपना ज्ञान प्रदान किया हुआ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोलते हैं। और यहां पर एक और बात देखने के लिए हमें प्राप्त होती है कि राजा सूर्य, राजा मनु, राजा इक्ष्वाकु इत्यादि जिन राजाओं को यहां पर उल्लेख किया गया है, वो सारे के सारे राजा कैसे हैं? गृहस्थी हैं। इनमें से बाल ब्रह्मचारी कोई नहीं है। जिन्हें परमात्मा ने ज्ञान दिया, ऐसे सारे के सारे राजा कैसे हैं? गृहस्थ आश्रम को धारण करते हैं। राजा होने के बावजूद ब्रह्मवेता होकर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उस ज्ञान के अनुसार आचरण करते हैं, ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। और ये जो राजा लोग हैं ये कैसे हैं? अपने राज्य के अंदर भी उसी ज्ञान का प्रसार करते हैं, उसी ज्ञान को अपनी प्रजा को बताते हैं, और उसी ज्ञान के अनुसार अपनी प्रजा का पालन करते हैं, ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जिन तत्वों का उल्लेख किया गया हुआ है, ये सारे के सारे तत्व हमें उपनिषद में भी प्राप्त होते हैं, किंतु उपनिषद के अंदर हमें संक्षेपात्मक विषय प्राप्त होते हैं, विस्तार प्राप्त नहीं होता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता कैसी है, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की वाणी कैसी है, ये जीवात्माओं को समझाने के लिए भगवान जी ने यहाँ पर विस्तार किया हुआ है। जितना सखोल किया जा सके उतना सखोल करके परमात्मा ने बताया हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि विस्तार के अभाव के अंदर, विवेचन के अभाव के अंदर हमें ये समझ नहीं आता कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहना क्या चाहते हैं। जैसे आज से पूर्व आप लोगों ने सांख्य योग का नाम सुना होगा, कर्म योग का भी नाम सुना, ध्यान योग भी सुना होगा, लेकिन वास्तव में सांख्य योग होता क्या है,
हम आज तक उस विषय को समझ नहीं पाए हैं। और जब विवेचनात्मक अध्ययन किया जाता है, व्याख्यान किया जाता है, जिसके अंदर विस्तार अधिक रहता है, तो उसमें हमें ये चीजें आराम से समझ आ सकती हैं कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहना क्या चाहते हैं। और परमात्मा जीवात्मा को ही अपना ज्ञान क्यों प्रदान करती है? कभी यहां पर हमने ये नहीं देखा कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने ब्रह्म देव को ज्ञान दिया, नहीं सुना। और कभी हमने ऐसा भी नहीं सुना कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने महादेव को ज्ञान दिया, इंद्रदेव को ज्ञान दिया, या जो विष्णु है उनको ज्ञान दिया हुआ है, भैरव देवता है उनको ज्ञान दिया, ऐसा हमने कभी नहीं सुना। क्योंकि देवताओं के साथ परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध है वो कैसा है? केवल कार्य हेतु के लिए, नित्य पदार्थ के रूप के अंदर। बाकी अटैचमेंट वाला परमात्मा का देवताओं के साथ कोई भी संबंध नहीं है। तो इसलिए परमात्मा के साथ जो जीवात्मा का संबंध है वो कैसा है? नित्य संबंध है। क्योंकि केवल परमात्मा और केवल जीवात्मा, इन दोनों का ही एक संबंध हमें चार पदार्थों में से प्राप्त होता है। और परमात्मा की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब जीवात्मा के लिए है, जीवात्मा की जितनी भी क्रियाएं हैं वो परमात्मा के लिए हैं। तो जैसे हम अक्सर एक बात बोलते हैं कि परमात्मा के बनो, परमात्मा के हो जाओ, परमात्मा से संबंध जोड़ो, उसका भाव क्या रहता है? कहा, सुना, लेकिन जब करने की बारी आई तो क्या करें? क्योंकि उस समय क्या है, दुविधा पड़ जाती है कि परमात्मा के बनना है, परमात्मा का कैसे बने। अब व्यवहार के अंदर क्या है, जब शादी होती है तो शादी होने के पश्चात शादी की जितनी रस्में हैं वो सारी आपने कर दी है, सब कुछ हो गया, तो वहां पर जो पतिव्रता स्त्री है, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने जो पति है वो पति की हो चुकी है, अर्थात उसमें क्या हुआ, वो स्त्री जैसी है वैसी की वैसी है, पति जैसा है वैसे का वैसे है, अब उनके अंदर परिवर्तन क्या हुआ? अर्थात अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हो तो वहां पर उस स्त्री को कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आज के समय में 10 लोगों को लेकर शादी हो रही है, उसके अंदर भी, या 1000 लोगों को लेकर शादी हो रही है, ठाट माट से शादी हो रही है, उसके अंदर उस स्त्री ने क्या किया कि जो वो पतिव्रता होगी, अपने पति की होगी, अर्थात उसके अंदर उसने कुछ भी नहीं किया, केवल अपने मन का एक भाव है कि आज के बाद मेरा सब कुछ मेरे पति का है। यही बात हमने धर्म के अंदर लागू करनी है कि आज के बाद हमारा सब कुछ परमात्मा का है। ये हमने क्या किया, अपना आप परमात्मा को दे दिया। क्योंकि जीवात्मा का और परमात्मा का संबंध कैसा है, जैचा जीव, जब का जीव है तब तब का परमात्मा के साथ संबंध रहता है। अर्थात इसके अंदर किसी भी पदार्थ की, परिस्थिति की, घटना की, व्यक्ति विशेष की, मंत्र उच्चारण की, किसी रीत की आवश्यकता नहीं। आप एकांत के अंदर बैठकर परमात्मा के हो सकते हो, क्योंकि आपने केवल अपना आप, आंतरिक भाव परमात्मा को समर्पित करना है। जैसा एक लड़की अपना आंतरिक भाव अपने पति को समर्पित करती है, उसके लिए उसे किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, आडंबर दिखावा बहुत सारा हुआ, लेकिन वो लड़की अपने मन से उस व्यक्ति को अपना पति स्वीकार नहीं कर पाती, तो संबंध टूट जाता है। और वैसे ही हम भी कभी कभी परमात्मा से बहुत सारे क्रियाकलापों को करते हैं, लेकिन जो एक आंतरिक अटैचमेंट है परमात्मा से वो नहीं जुड़ पाती, जिस कारण से जीवात्मा का हमारा परमात्मा से संबंध टूट जाता है। तो ऐसा परमात्मा के साथ जीवात्मा का नित्य संबंध रहता है, केवल थोड़ा सा आंतरिक भाव और थोड़ी सी अगर क्रिया आप कर्मयोग की करते हो तो आप परमात्मा के साथ अच्छी तरह से जुड़ सकते हो, अटैच हो सकते हो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से प्रथम श्लोक के अंदर इन राजाओं को बताकर क्या बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा ज्ञान पुरातन है और मेरा और इस जीव का संबंध भी पुरातन है। मैं आज तुझे ही दिखाई दे रहा हूं, उससे पहले मैं किसी को दिखाई नहीं दिया हूं।
या मैंने आज तुझे ज्ञान प्रदान करा है, आज से पहले मैंने किसी को ज्ञान प्रदान नहीं किया, ऐसा नहीं है। यह ज्ञान कैसा है? मैंने राजा सूर्य को प्रदान करा, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को प्रदान किया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया, ऐसा भगवान जी यहां पर बताते हैं। विवस्वते प्रोक्तवान। और इसी श्लोक के माध्यम से एक और बात हम देख सकते हैं कि जिस मनुस्मृति का हम अध्ययन करते हैं वो मनुस्मृति भी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की वाणी है। इस श्लोक का आधार लेकर मनुस्मृति के अंदर पहले मुझे ऐसा प्रतीत है कि 1000 श्लोक 600 श्लोक थे, अब के समय के अंदर 2400 श्लोक है ऐसा। तो जितनी मनुस्मृति है वो सारी की सारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की वाणी है। तो कभी कभी उस मनुस्मृति को भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यथा तथ्य उसे आपने नहीं पढ़ना। तो भगवान जी यहां पर यही निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, ये सारा का सारा ज्ञान जो तुम शास्त्रों के अंदर पढ़ते हो वो मेरे द्वारा ही बताया गया है। और ब्रह्मविद्या शास्त्र के अंदर एक सूत्र आता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे, ये जो ब्रह्म विद्या शास्त्र है ये कैसा है, किसी के अंदर प्राप्त नहीं होता, लेकिन ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर संपूर्ण वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ऐसा भगवान जी बोलते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि हम बात करें तो किसी ना किसी ग्रंथ के अंदर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमद् भगवद गीता एवं ब्रह्म विद्या के सिद्धांत प्राप्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी ज्ञान परमात्मा से ही आया हुआ है, ऐसा हम यहाँ पर मान सकते हैं। विवस्वान मनवे प्राह मनु रीक्षा कवे ब्रवीत, ऐसे ये जिन राजाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है ये राजा कैसे हैं? सूर्यवंशी राजा हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी जिस वंश के थे उस वंश का यहाँ पर वर्णन किया गया हुआ है। तो ऐसे प्राचीनता और पुरातन ज्ञान का वर्णन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर करते हैं। एवं परम प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेने अमहता योगो नष्टः परन्तपः। एवं परम प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेने महता योगो नष्टः परंतपः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आगे उस ज्ञान का क्या हुआ, प्रचार हुआ, नाश हुआ, इस विषय में भगवान जी बताते हैं। परंतपः अर्थात हे अर्जुन, परान तापयति इति परंतपः, हे शत्रुओं को ताप देने वाले अर्जुन, एवं इस तरह परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त इमं, इस प्रकार ये जो ज्ञान है ये सारा का सारा ज्ञान राजर्षयः विदु, राजर्षियों ने जाना, परंतु महता कालेन अर्थात बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात के कारण सयोगः यह नष्ट, यह योग यह अर्थात इस मनुष्य लोक के अंदर, इस संसार के अंदर नष्ट अर्थात लुप्त हो गया। भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त होते होते इस ज्ञान को जो राजर्षि लोग हैं, राजा लोग हैं, उन लोगों ने जाना, उसके पश्चात बहुत सारा समय व्यतीत होने के पश्चात ये सारा का सारा ज्ञान कैसा है, लुप्त प्राय हो गया, अर्थात धीरे धीरे लोप होना शुरू हो गया, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, अर्थात राजर्षि लोगों ने जाना। तो यहां पर पूर्व समय के अंदर जो राजा लोग होते थे, जो नेता लोग होते थे, वो नेता कैसे होते थे, ब्रह्मवेता, जैसे पहले भी हमने श्रवण किया कि जनकादि जैसे ऋषि थे वो भी ब्रह्मवेता हुआ करते थे। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन करते हैं, क्योंकि सूर्यवंशी राजा कैसे हुए हैं, ब्रह्मवेता। और इन्हीं राजाओं का वर्णन
कालिदास अपने रघुवंश काव्य के अंदर भी करते हैं। रघुवंश महाकाव्य ये कालिदास का एक बहुत प्रसिद्ध काव्य है, जिसके अंदर रघुवंश की जो परंपरा है और रामायण का अंश उसमें वर्णित किया हुआ है। तो महाकवि कालिदास क्या कहते हैं कि वे राजा लोग अपनी प्रजा के हित के लिए प्रजा से इस प्रकार कर लिया करते थे, जिस प्रकार सूर्य समुद्र से थोड़ा सा जल ग्रहण करता है और उसके फलस्वरूप बहुत सारी वर्षा करके अपनी प्रजा का पालन करता है। अर्थात यहां पर जो कालिदास हैं, कालिदास ने राजर्षियों का वर्णन किया और एक यहां पर राजनीतिक बात भी उन्होंने बोली कि वो जो राजा लोग थे वो कैसे थे, धर्मपरायण। धर्मपरायण कैसे कि वो प्रजा से कर लिया करते थे लेकिन उस कर को प्रजा को ही समर्पित कर दिया करते थे। ऐसे कि जैसे सूर्य जब गर्मी के अंदर क्या है, तपता है, तपने के पश्चात जितना समुद्र या इत्यादि का जो जल होता है उस जल को शोषण करता है, सूखता है, जल सूखता है, भाप बनता है, सूर्य उसे सूखता है और समय आने पर उसी को 10 गुना अधिक वर्षा के रूप में प्रकट करके सारे के सारे समाज का कल्याण करता है। तो ऐसे कालिदास यहाँ पर उन राजाओं का वर्णन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे राजाओं को हम देखते हैं और ये राजा लोग कैसे हुआ करते थे, जिस कर को प्रजा से ग्रहण करते हैं उस कर से अपने जीवन का निर्वाह नहीं किया करते थे। वो क्या करते थे, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए ये राजा लोग खेती किया करते थे स्वतंत्र रूप से, कि जिस पैसे को हमने प्रजा से लिया हुआ है उस पैसे को हमने प्रजा के ऊपर ही लगाना है, ऐसा इन राजाओं का कर्तव्य रहता था। तो जब ऐसे राजाओं का शासन हो जाता है, जब ऐसे अधिकारी किसी देश का संचालन करते हैं तो देश निसंकोच उन्नति की तरफ जाता है, और जब ऐसे शासक देश पर बैठते हैं कि जो प्रजा से कर अधिक लेते हैं, बहुत अधिक कर वसूल करते हैं लेकिन प्रजाओं को कुछ भी सुविधाएं प्रदान नहीं करते, जब ऐसे शासक देश के ऊपर बैठ जाएं, नेता ऐसे देश के ऊपर बैठ जाएं, तो उस देश का, उस राष्ट्र का समूल नाश हो जाता है। और यहां पर आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी कि आज के समय के अंदर हमारे भारत के जितने भी शासक हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अंश के अंदर धर्म शास्त्रों से जुड़े हुए हैं। यदि मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का यहां पर उच्चारण करूं तो जब भी उन्होंने देश को संबोधित किया है तब उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता या उपनिषद के मंत्र का उच्चारण किया हुआ है, कहीं ना कहीं उन्होंने वेदों के मंत्र को लेकर हम सबको संबोधित करने का प्रयास किया हुआ है। अर्थात और वो भी कैसे है कि किसी ने उन्हें समझाया पढ़ाया फिर उन्होंने कहा, ऐसे नहीं। अर्थात जब शासक धार्मिक हो जाएं तो प्रजा का पालन बहुत अच्छी तरह से होता है। और पूर्व समय के जो शासक हुआ करते थे वो कैसे थे, राजऋषि। वो राजऋषि अर्थात राजा होते हुए भी ऋषि हुआ करते थे। राजऋषि शब्द का अर्थ क्या है कि राजा होते हुए भी ऋषि हुआ करते थे। और दूसरा यदि विचार किया जाए तो गृहस्थ आश्रम का धारण न करते हुए अपना जीवन जैसे कर्तव्य कर्म को देना चाहिए वैसा उन्होंने प्रदान किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम ये विचार कर सकते हैं जब ऐसे राजा लोग शासन करने के लिए आते हैं तो निसंकोच प्रजा का अच्छी तरह से पालन होता है। और ऋषि वेदव्यास जी के जो पुत्र आचार्य सुखदेव, जिनका वर्णन हम सुनते हैं कि आचार्य सुखदेव कैसे थे कि बहुत ब्रह्मचारियों के अंदर यदि सबसे पहला नाम लिया जाए तो आचार्य सुखदेव जी का लिया जाता था, क्योंकि अपनी माता के पेट से जैसे ही निकले उसी समय वन की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसे जो राजा सुखदेव हैं वो भी ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए राजा जनक के पास गए हुए हैं, ऐसा उल्लेख हमें छांद योग्योपनिषद के 5वें अध्याय में प्राप्त होता है।
कि एक बाल ब्रह्मचारी सन्यासी ज्ञान प्राप्ति के लिए एक गृहस्थ आश्रमी राजा के पास जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी ऐसा प्रकार हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो यही बात भगवान जी यहां पर बताते हैं कि पुराने समय की रीत क्या हुआ करती थी कि राजा लोग भी धर्म शास्त्रों से युक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे, और जो संत लोग हैं, जो साधु लोग हैं, वो तो अपने कर्तव्य का पालन करते ही हैं। ऐसे हमें बहुत सारे प्रसंग हमें प्राप्त होते हैं कि जब सन्यासी राजाओं के पास जाकर ब्रह्म विद्या शास्त्र को ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ये ज्ञान कैसे है, एवं परंपरा प्राप्तम, ये ज्ञान परंपरा को प्राप्त होते होते एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसे प्राप्त हुआ, और धीरे धीरे प्राप्त होते होते क्या है कि स काले नेह महता, बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात क्या है वो ज्ञान क्या हो जाता है, योगो नष्ट परंतपः, हे अर्जुन वो ज्ञान नष्ट हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा बुद्धि से विचार करें कि ज्ञान का कभी भी नाश नहीं होता है, किसी भी स्थिति के अंदर ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। तो यहां पर नष्ट शब्द का अर्थ हमने क्या लेना है, लुप्त हो गया। ज्ञान है, पुरातन है, नित्य है, अविनाशी है, केवल क्या है, लुप्त हो चुका हुआ है। जैसे परमात्मा नित्य है, वैसे ही परमात्मा के साधन भी नित्य रहते हैं। इसलिए ज्ञान कैसे है, पीछे हमने एक श्लोक पढ़ा था कि न भाव विद्यते सत, कि जो सत वस्तु होती है उसका अभाव कभी नहीं होता, उसका नाश कभी नहीं होता। तो यहां पर ज्ञान कैसा है, सत, तो सत वस्तु का नाश कभी नहीं होता, वैसे ही ज्ञान का कभी भी नाश नहीं होता, ऐसा हम यहां पर जान सकते हैं। तो ज्ञान का लोप हो सकता है, ज्ञान लुप्त हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से यहां पर निवेदन करते हैं। स एवायम मयातेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्। स एवायम् मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्। हे अर्जुन मे भक्त च सखा असि, हे अर्जुन तू कैसा है, तू मेरा भक्त भी है और तू मेरा सखा भी है। इति इसीलिए स एव अयम पुरातन योग अद्य मया ते प्रोक्तः, इसीलिए स एव वही अर्थात जो पुराना ज्ञान है, अयम यह पुरातन अर्थात प्राचीन, योगः योग अद्य आज मया मैंने ते प्रोक्तः तुझे बताया है, तुझे कहा है ही, क्योंकि एतत् उत्तमम रहस्यम, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन तू मेरा भक्त है और तू मेरा सखा है, इसलिए मैंने ये पुराना योग आज तेरे प्रति यहां पर निरूपण किया है। और ये योग कैसा है, बहुत ही रहस्यात्मक योग है, इसलिए मैं तुझे आज इस योग को बताता हूं, कहता हूं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से पहले क्या कहते हैं, भक्तोसी में सखा चेती, अर्जुन जो था वो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को अपना प्रिय सखा तो मानता ही था, लेकिन जब तक अर्जुन ने भगवान जी को शिष्य गुरु रूप में स्वीकार नहीं किया, स्वयं शिष्य रूप में समर्पित नहीं किया, तब तक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उसे ज्ञान नहीं देते हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का जो सखा भक्त तो था, लेकिन जब दास्य भक्त बन जाता है, शिष्य भक्त बन जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उसे परम पवित्र ज्ञान बताते हैं। इसलिए
भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा सखा तो है लेकिन अब तू मेरा भक्त बन चुका है, इसीलिए ये पुरातन जो ज्ञान है वो मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन का और अपना एक घनिष्ठ संबंध यहाँ पर बताया हुआ है। और भगवान जी यहाँ पर यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि जब तक परमात्मा के साथ जीवात्मा अपना संबंध नहीं जोड़ता तब तक परमात्मा भी कैसे हैं, अलिप्त रहते हैं, दूर रहते हैं। जब हम परमात्मा को अपना सर्वस्व माने कि परमात्मा ही हमारे माता हैं, परमात्मा ही हमारे पिता हैं, परमात्मा ही हमारे बंधु हैं, परमात्मा ही हमारे सखा हैं, तब परमात्मा भी हमें अपना बंधु सखा मानते हैं। और जैसा भाव परमात्मा का अर्जुन के प्रति रहा है, जैसा भाव परमात्मा का उद्धव जी के प्रति रहा है, वैसा का वैसा भाव परमात्मा का हमारे प्रति भी हो जाता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, इस रहस्यात्मक ज्ञान को आज मैं तुझे बता रहा हूं, कह रहा हूं, क्योंकि तू मेरा सखा है। तो इस ज्ञान के अंदर, रहस्यात्मक रूप के अंदर हमें तीन बातें प्राप्त होती हैं। रहस्य क्या है? क्योंकि रहस्य किसे कहा जाता है? जो बात, जो वस्तु बताने पर भी समझ ना आए। क्योंकि आज तक क्या है, हम लोगों ने गीता बहुत बार पढ़ी हुई है, सांख्य योग होता है, कर्म योग होता है, सत होता है, असत होता है, काम होता है, क्रोध होता है, परमात्मा का स्वरूप अलग होता है, आत्मा अलग होती है। ये वस्तुएं हमने आज से पूर्व बहुत बार सुनी लेकिन आज तक उसको समझ नहीं पाए। इसलिए रहस्य, गोपनीय, गुप्त, जिसको बताने पर भी, दिखाने पर भी समझ में ना आया जाए, समझा ना जाए, उसे रहस्य कहा जाता है। तो मुख्य रूप के अंदर क्या है, सबसे पहला रहस्य क्या है कि मेरा कुछ भी नहीं है। ये श्रीमद् भगवत गीता का ऐसा गोपनीय रहस्य, जब किसी को निवेदन किया जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो मन में क्या आता है, यार ये बिल्कुल तुच्छ सी बात है, सिंपल, हमने बहुत बार सुनी है, ऐसा बोलकर जीवात्मा उसे छोड़ देता है। इसीलिए ये रहस्य है कि बताने पर, सुनने पर, कहने पर भी पकड़ में नहीं आता, हम उसे क्या छोड़ देते हैं, बहुत बार सुना है, जाने। इसीलिए परमात्मा क्या कहते हैं, रहस्यम, कि मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा स्वरूप सत अविनाशी है और जितनी वस्तुएं मुझे दिखाई देती हैं ये कैसी हैं, असत और विनाशी है, इसीलिए मेरा कुछ भी नहीं है, मैं नित्य हूं और ये वस्तुएं कैसी है, सारी की सारी अनित्य है। यहां पर ममता का अभाव दिखा दिया गया। जब इस वस्तु को धारण कर लोगे, रहस्य को पकड़ लोगे, आप एक क्षण के अंदर ममता से रहित हो जाओगे। जो लोग कहते हैं कि ममता से रहित होना असंभव बात है, उनका बोलना यथार्थ है, क्योंकि उन्होंने अभी तक रहस्य को पकड़ा ही नहीं। और जिस जीवात्मा ने रहस्य को नहीं पकड़ा, उसके लिए ममता के ऊपर विजय प्राप्त करना असंभव बात है। इसलिए रहस्य को समझिए। उसके पश्चात दूसरा रहस्य क्या प्राप्त होता है कि मेरे लिए कुछ नहीं है, या यहां पर कुछ नहीं है, या मुझे कुछ नहीं चाहिए इस संसार में से, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं, ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। क्योंकि यहां पर भी क्या है, अपनी कामनाओं की पूर्ति आपने यहां पर कर ली। जब आप मन में विचार करोगे कि इस संसार के अंदर मेरे लिए कुछ नहीं है, यह सारा का सारा दूसरे के लिए है, तो क्या होगा, आपका स्वार्थ खत्म हो गया और आप जो कर्तव्य कर्म है, निष्काम कर्म है, उसके अंदर आप आराम से लग गए, आपकी बुद्धि स्थित हो गई, आप कर्म योगी बन गए। यह भी क्या है, एक रहस्य, यह भी भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर बताते हैं। उसके पश्चात अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। तीसरा रहस्य श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया कि जो भी कर्म करना है वो सारा का सारा कर्म संसार के कल्याण के लिए होना चाहिए,
ना कि मेरे अपने लिए। यहां पर भी जीवात्मा ने अपने आप को कर्तव्य कर्म के अंदर ढाल लिया और अहंकार से शून्यता यहां पर हो चुकी है, क्योंकि जब जीवात्मा लोक कल्याण के लिए कर्म करता है तो उसके अंदर मैंपने की भावना का विनाश हो जाता है। तो ऐसे तीन प्रकार के रहस्य और ऐसे बहुत प्रकार के रहस्य हमें यहां पर प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या निवेदन करते हैं कि ऐसा गुह्य रहस्य मैंने आज तेरे प्रति कहा है और कह रहा हूं, और आप सबके प्रति भी इस रहस्य का यहां पर निरूपण किया जा रहा है। तो सभी शांत भाव से मन को एकाग्रित करते हुए अवश्य श्रवण करते ही होंगे। अब ऐसा निरूपण भगवान श्री कृष्ण महाराज जी करते हैं तो अर्जुन के मन के अंदर एक शंका प्रस्तुत हो जाती है, उत्पन्न होती है। तो अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद्वी जानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद्वी जानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। प्रश्न का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहता है, हे प्रभु भवतः जन्म अपरम, भवतः अर्थात आपका जन्म, जन्म तो अपरम अभी का है, अभी अभी हुआ है। विवस्वतः जन्म परम त्वम आदो, और राजा सूर्य का जन्म जो है बहुत पुराना है, अतः त्वम आदो आपसे पहले ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य का उत्पन्न होना हुआ। तो हे प्रभु त्वम आपने ही आदौ सृष्टि के आरंभ में राजा सूर्य को एतक प्रोक्तवान यह योग कहा हुआ है, इति कथम वि जानिया यह बात मैं कैसे समझूं कि हे प्रभु आप कहते हो कि सृष्टि के आरंभ के अंदर मैंने राजा सूर्य को यही योग कहा था, लेकिन आपका जन्म तो अभी अभी कर जो द्वापर युग है, द्वापर युग के अंतिम चरण के अंदर हुआ है, माता देवकी के गर्भ से पिता देव वसुदेव के माध्यम से, तो मैं इस रहस्य को कैसे जानूं, आप इसका संशय का निवारण करें। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत, कि हे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आपने सूर्यवंशी राजाओं का यहां पर वर्णन किया हुआ है, वो बहुत पुराने हैं, क्योंकि जब से लेकर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी वर्णन करते हैं तब तक बहुत सारे राजाओं ने जन्म लिया, राज्य का संचालन किया, मृत्यु को प्राप्त हुए, और बहुत सारे राजाओं का जो शासन है वो हो चुका है। थोड़ा सा जैसे राजा सूर्य, उसके पश्चात मनु, मनु के पश्चात इक्ष्वाकु हैं, इक्ष्वाकु के पश्चात हमें राजा सगर प्राप्त होते हैं, उनके 60 पुत्र मरे हुए हैं, उसके पश्चात हमें दिलीप राजा प्राप्त होते हैं, फिर श्री रामचंद्र जी इत्यादि, दशरथ प्राप्त हुए, श्री रामचंद्र जी प्राप्त हुए, ऐसे बहुत सारे राजा प्राप्त हो चुके हैं, और ये बात सृष्टि के आरंभ की है। और श्री रामचंद्र जी की अगर बात करें, वो भी त्रेता युग में होकर चले गए, और आप द्वापर युग में प्रादुर्भाव हुआ, और द्वापर युग में कैसे अंतिम चरण के अंदर जब द्वापर समाप्त होने वाला है, तो मैं इस बात को कैसे जानूं कि आपने ही यही योग राजा सूर्य को बताया हुआ है, ऐसा प्रश्न अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से करता है। श्री भगवान वाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ता परंतप। बहुनी
मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम् वेद सर्वानि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान वाच भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले, परंतप हे शत्रुओं को ताप देने वाले अर्जुन, मैं चतव मेरे और तेरे बहुनी जन्मानी व्यतीतानी बहुत से जन्म हो चुके हैं, तानी सर्वानी अहम वेद उन सभी जन्मों को, तानी अर्थात उन सभी जन्मों को, सर्वानी सबको अहम मैं वेद जानता हूं, परंतु त्वम न वेत्थ लेकिन तू नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म व्यतीत हो चुके हुए हैं, मैं उन सभी जन्मों को जानता हूं परंतु तू उनमें से किसी भी जन्म को नहीं जानता है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ऐसा यहां पर बोलते हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन, कि समय समय पर मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, ऐसा भगवान जी यहां पर निवेदन करते हैं। लेकिन होता क्या है कि तान्याम वेद सर्वानी, उन जन्मों को जो दिव्य पुरुष होते हैं, परमात्मा होते हैं, वो जानते हैं, लेकिन जो सामान्य मनुष्य होगा वो इन जन्मों को नहीं जान सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि संसार में जाति स्मर जीव भी उत्पन्न होते हैं। जाति स्मर जीव किन्हें कहा जाता है? जिन्हें अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण हुआता है, स्मरण रहता है, उन्हें जाति स्मर कहते हैं। कि जिनको अपने पूर्व जन्म के अंदर मैं कौन था, मैं कैसा था, ऐसा स्मरण रहता है। ऐसे महापुरुष जिन्हें युंजान योगी कहा जाता है, जिन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है, याद रहती है, उन महापुरुषों को युंजान योगी कहा जाता है, ऐसा हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा बहुत सारे योगी प्राप्त होते हैं, किंतु सर्वसाधारण मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यही बात निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे बहुत सारे संत होते हैं, ऐसे परमात्मा के अवतार होते हैं जो अपने आप को छुपा कर रखते हैं, संसार में विचरण तो करते हैं, बहुत बार विचरण करते हैं, लेकिन कैसे हैं, अपना वास्तविक स्वरूप क्या है वो प्रकट नहीं होने देते। जब जन सामान्य के सामने आएंगे परमात्मा या परमात्मा के संत, वो कैसे व्यतीत होंगे, कैसे अपने जीवन बिताएंगे, जैसे आम व्यक्ति जीवन अपना बिताता है, जैसा क्रियाकलाप एक साधारण व्यक्ति करता है, वैसे ही परमात्मा और जीवात्मा जो परमात्मा के संत है वो करते रहते हैं, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाकर वो क्रियाएं करते हैं। ऐसा परमात्मा यहां पर बताते हैं कि परमात्मा के संत और परमात्मा अपने आप को छिपाकर रखते हैं। तो क्या अपना सारा जीवन वो छुपाकर ही व्यतीत करते हैं? ऐसा नहीं, किन्हीं एक प्रसंगों पर परमात्मा भी प्रकट करते हैं कि मैं परमात्मा हूं, मेरी भक्ति करो, और संत भी अपने आप को प्रकट करते हैं कि हम भी परमात्मा में तल्लीन हैं, हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का श्रवण करो। लेकिन कब? जब परमात्मा के सामने और उस संत के सामने कोई व्यक्ति आए, कैसे? श्रद्धावंत। जब श्रद्धा से अभिभूत होकर परमात्मा के पास जाकर कोई भक्त बोलता है कि हमें परम तत्व का ज्ञान करवाइए, तब परमात्मा बोलते हैं कि मैं यहां पर हूं, मैं इस घट के अंदर हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरी भक्ति करो। जैसे आचार्य श्री माहिम भट्टजी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास गए हुए हैं और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि जैसे पैठन के अंदर हम निवास करते हैं, वैसे ही जब श्रद्धा से कोई परमात्मा के पास जाता है तो परमात्मा तब उस व्यक्ति के प्रति अपने रहस्य को प्रकट करते हैं कि मैं परमात्मा हूं, मेरी भक्ति करो। और जो संत होते हैं वो अपने रहस्य को कब प्रकट करते हैं? वास्तव में क्या है, जो असली, जो वास्तव में जिनको हम सच्चे संत बोलेंगे,
वो तो आपको समाज में बहुत कम दिखाई देंगे, बहुत कम। ऐसा नहीं कि समाज में सच्चे संत नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन वो भी कैसे हैं कि अपने रहस्य को प्रकट नहीं करेंगे। और कब करेंगे? जब मान लीजिए किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग हो रहा है, कोई प्रिय व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तब उन्होंने पूछा कि मुझे कुछ शास्त्र बताएं, मुझे कुछ ज्ञान बताएं, तब वो ज्ञान को बताते हैं। और दूसरा, जब ऐसे संत अपना चोला छोड़ते हैं, इस संसार को छोड़कर जाते हैं, तब वो अपने शिष्यों को बोलते हैं कि अब कुछ मेरे से प्रश्न करना है तो कर सकते हो। हमें अपने सिद्धांत के अंदर, अपने शास्त्रों के अंदर ऐसे बहुत सारे संत हमें प्राप्त हुए हैं कि मृत्यु के समय भी उनके मुख पर एक ही बात अपने शिष्यों के प्रति रहती है, रही हुई है कि अब निर्वाण का समय आ चुका है। निर्वाण अर्थात मुक्ति का। यदि किस कोई संशय आपका हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो, मैं बताने के लिए अभी तैयार हूं। अंतिम समय के अंदर भी वो संत परमात्मा के तत्व को निवेदन करने के अंदर ही रुचि रखते हैं। वो संत ये नहीं कहते कि मेरी इतनी इतनी ये वस्तुएं हैं, इनको कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा, इस विषय के अंदर उनका कोई भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वो संत हैं, वो साधु हैं। जो साधु होगा वो परमात्मा के तत्व का प्रचार करेगा कि मैं यदि जीवित हूं तब भी परमात्मा का ही प्रचार करूं, परमात्मा के परम तत्व का प्रचार करूं, यदि मैं मृत प्राय होने वाला हूं तब भी मैं परमात्मा के परम तत्व का ही प्रचार करता रहूं, क्योंकि शरीर तो मेरे साथ मिट जाएगा, लेकिन इस शरीर के माध्यम से मैंने जिस परमात्मा के तत्व का व्याख्यान किया हुआ है, वो परमात्मा का तत्व जन सामान्य के पास पहुंचेगा और उनका कल्याण होता रहेगा। ऐसा भाव रखते हुए जो एक संत होते हैं, सच्चे संत होते हैं, अपने रहस्य को जन सामान्य के सामने प्रकट करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि ऐसे भी कुछ योगी होते हैं कि जो जिन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है और केवल जन के कल्याण के लिए वो कर्तव्य परायण होते हैं, उन्हें अपने लिए किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती है। इसलिए हे अर्जुन, मैं अपने सभी के सभी जन्मों को जानता हूं, न त्वम वेत्त परंतपल, लेकिन तू सामान्य व्यक्ति होने के कारण अपने किसी भी पूर्व जन्म को नहीं जानता है, इसलिए तुझे ऐसी शंका प्रतीत हो रही है कि हे प्रभु, आपका जन्म तो अभी हुआ और ये राजा तो बहुत समय पहले थे, ऐसी शंका का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, इसलिए तुझे ये शंका उपस्थित हो रही है। अजो अपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवम् आत्ममायया। अजो अपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवम् आत्ममाया। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अब उस दिव्य अलौकिक तत्व का निवेदन करने जा रहे हैं कि जिस तत्व को हमारे पंथ के अंदर कहा जाता है कि जब 12 साल अध्ययन हो जाए, 12 साल अध्ययन कैसे हो जाए, अनुसरण ग्रहण करके, त्याग करके, अपने आप को शास्त्रों के अंदर लगा करके, तब बताना चाहिए। अब उन्हीं तत्वों का भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर निवेदन करते हैं, तो ध्यान से श्रवण कीजिए। प्रकरण का नाम मैं यहां पर नहीं लेना चाहूंगा, केवल आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो तत्व बताने से सभी लोग हिचकिचाते हैं, सुनने के लिए आकांक्षा सभी की रहती है लेकिन बताने के लिए सभी हिचकिचाते हैं, वही तत्व यहाँ पर निवेदन किया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा। तो आप सभी दत्त चित्त होकर अब यहाँ से जिस शास्त्र का प्रारंभ हो रहा है उसे आप आराम से ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं, हे अर्जुन,
अजह, अजह कहा जाता है जिसका जन्म नहीं होता। तो भगवान जी कहते हैं कि मैं कैसा हूं, अजह अर्थात अजन्मा, अव्यय आत्मा, और मेरा स्वरूप कैसा है, अविनाशी स्वरूप, सन होते हुए भी, अपि भी तथा भूतानाम, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर, ईश्वर होते हुए अपि भी स्वाम, अपनी प्रकृति, प्रकृति को अधिष्ठाय, अधीन करके, आत्म माया, अपनी योग माया से संभवामि प्रकट होता हूं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा होने के बावजूद अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति के प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमें तीन तत्व प्राप्त होते हैं और उन्हीं तीन तत्वों से हमें छह तत्व प्राप्त होते हैं। पहला तत्व कौन सा है, अज, अव्यय, और तीसरा ईश्वर। अब हम बहुत गूढ़ ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर प्रवेश प्राप्त करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कैसे है ये तत्व, जब परमात्मा की कृपा होगी तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको ये तत्व कैसे है आप समझने के अंदर अक्षम हो जाओगे। हम समझाने के अंदर प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन समझने के लिए भी आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। तो परमात्मा से निवेदन करें कि हे प्रभु, जिस शास्त्र को हम श्रवण करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि अब भी इसी समय हमारे ऊपर प्रदान करो, ताकि हम इस बात को समझ सके। तो सबसे पहले अजह अर्थात परमात्मा कैसे हैं, अजन्मा, एक सकारात्मक अर्थ है, एक नकारात्मक अर्थ। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं, यो माम मज्मनादिम च वेति लोक महेश्वरम असम्मूढ स सर्वेषु सर्व पापे प्रमुच्यते, दसवां अध्याय का तीसरा श्लोक। यहां पर भगवान जी बोलते हैं कि मुझे लोक तत्वों से जान सकते हैं अज। और कहीं पर भगवान जी सातवें अध्याय के 25 नंबर श्लोक के अंदर क्या कहते हैं, मूढ़ोऽयम नापि जानाति लोको मामजमव्ययम, मुझे कोई नहीं जान सकता, जान भी सकता है नहीं भी जान सकता है, ऐसा मैं अज हूं, अज अर्थात अजन्मा। उसके पश्चात अव्यय, अव्यय अर्थात अव्यय अविनाशी को कैसे जाना जा सकता है, स्वरूप को जानने की बात, भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम, नौवें अध्याय का 13 नंबर का श्लोक। भगवान जी कहते हैं कि मुझे अविनाशी को जाना जा सकता है। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सातवें अध्याय के 24 नंबर श्लोक के अंदर क्या कहते हैं कि परम भावम जानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम, मुझ अविनाशी को कोई भी जान नहीं सकता है। उसके पश्चात ईश्वर स्वरूप को जानने की बात, भोक्तारम यज्ञ तपसाम लोकमहेश्वरम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, पांचवें अध्याय का 21 नंबर का श्लोक। भगवान जी यहां पर बोलते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मुझे लोग जान सकते हैं। और आगे भगवान जी नौवें अध्याय के 11 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिताम, मुझ ईश्वर को कोई नहीं जान सकता। अर्थात अज अव्यय ईश्वर, अज को जाना जा सकता है नहीं भी जाना जा सकता है, अव्यय अविनाशी को जाना जा सकता है नहीं जाना जा सकता है, ईश्वर को जाना जा सकता है नहीं जाना जा सकता है, ऐसे हमें गूढ़ तत्व सूक्ष्म तत्व यहां पर प्राप्त होता है। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर क्या कहते हैं, भूतानाम ईश्वर सन, सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने सभी प्राणियों का मैं ही ईश्वर हूं, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, ये इस श्लोक के अंदर बताया हुआ है। अर्थात निराकरण किस बात का करा,
जितनी भी देवी देवताएं हैं, जितने भी विग्रह हैं, जितनी भी ब्रह्मंडस्थाएं हैं, जितने भी गुरु इत्यादि हैं, जितने भी जो तंत्र मंत्र करने वाले साधक प्राप्त होते हैं, ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर कौन है? मैं। भूतानाम ईश्वरो अपि सन, समस्त प्राणियों का मैं ईश्वर हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी एक सूक्ष्म बात श्रीमद् भगवत गीता में से यहां पर निवेदन करते हैं कि मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूं। मैं अर्थात श्री कृष्ण, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। यहां पर परमात्मा डंके की चोट पर सभी अवतारों का, सभी विग्रहों का खंडन करते हैं। या यहां पर जो लोग भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को श्री रामचंद्र जी के साथ जोड़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को विष्णु के साथ जोड़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को अन्य देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं, उनके लिए यहां पर प्रमाण सहित भगवान जी क्या बोलते हैं? केवल और केवल मैं श्री कृष्ण सभी भूतों का, सभी प्राणियों का ईश्वर हूं। और दूसरी सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, वो क्या है? हम हमारे इष्ट जो कोई भी है, मानिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि अपने इष्टों को मानना बंद कर दीजिए। अपने इष्ट को मानिए, लेकिन वो आप सबके इष्ट ईश्वर नहीं है। मानने में आप किसी को कुछ भी मानते रहिए, लेकिन वो वास्तव में हो नहीं जाता, उसके लिए उस व्यक्ति का वो होना आवश्यक है। तो प्रत्येक जीवात्मा जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को छोड़कर जिस किसी को भी इष्ट मानता है, उनके सामने मैं एक छोटा सा प्रश्न यहां पर उपस्थित करता हूं कि आप अपने अपने धर्म गुरुओं के पास जाकर एक छोटा सा प्रश्न करिए, यदि उत्तर प्राप्त हुआ तो अपने अपने इष्ट की भक्ति करते रहिए और हमें बताएं, हम भी आपके इष्ट की भक्ति करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। यदि आपको उत्तर प्राप्त ना हुआ तो आप भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की गीता के अनुसार आकर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को ईश्वर मानकर सभी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की ही भक्ति करोगे। एक छोटा सा चैलेंज मैं आप सबके समक्ष रखता हूं, वो चैलेंज क्या है? आप लोग अपने अपने धर्म गुरुओं के पास जाएं और जाकर उनसे निवेदन करें कि आप हमें जिनकी भक्ति करने के लिए कहते हो, क्या उस ईष्ट ने किसी भी ग्रंथ के अंदर ये बात कही कि मैं सभी का ईश्वर हूं? किसी भी ग्रंथ के अंदर, किसी भी धर्म शास्त्र के अंदर जिस ईष्ट की भक्ति करने के लिए आप हमसे निवेदन करते हो, हमें कोई पुख्ता प्रमाण दे दीजिए कि मैं ईश्वर हूं, मेरी भक्ति करो, मैं सभी का ईश्वर हूं, ये प्रमाण लाकर मुझे दिखा दीजिए। ये सबके सामने एक मैं चैलेंज रखता हूं। और जो कृष्ण भक्त हैं उनके सामने तो ये चैलेंज सामने है ही है, क्योंकि परमात्मा केवल जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ईश्वर मानते हैं, जो है वास्तव में, क्योंकि मानने से ईश्वर नहीं हो जाता। आप लोगों ने टीवी में एक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का देखा होगा, जिसमें एक राजा था पौंड्रक नामक, वो राजा अपने आप को श्री कृष्ण मानता था। पौंड्रक राजा वैसे ही भगवान जी की तरह बैठता है, भगवान जी की तरह सुदर्शन चक्र रखा हुआ है, चाहे चलता ना हो रखा हुआ है दिखाने के लिए, या बिजली से चल भी सकता है, तो ऐसा उसने चक्र रखा हुआ है, अपनी पत्नी का नाम भी रख दिया जी रुक्मणी, भगवान जी की तरह बैठता है। तो क्या बोलने से, मानने से वो श्री कृष्ण हो गया? नहीं हुआ, आखिरकार मर गया भगवान जी के हाथों। तो ऐसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, जो जय कृष्ण यहां पर नहीं है, अपने अपने गुरुओं के पास जाएं, जाकर उनसे प्रश्न करें कि हमें कोई एक पुख्ता प्रमाण दे दीजिए कि हमारे ईश्वर ने अपने मुख से कहीं बोला हो कि मैं ईश्वर हूं, मेरी भक्ति करो, तो हम भक्ति करें। अगर नहीं बोला है
तो हम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के पास जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में बोला हुआ है कि अव्यात्मा सन अपि सर्व भूतानाम ईश्वरो अपि, सभी भूत प्राणियों का मैं ईश्वर हूं, मेरी भक्ति करो। ये इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और जाकर उसका परिणाम क्या है, या तो हम आपके पास आ जाएंगे या आप हमारे पास आ जाओगे, दो ही बातें होंगी। तो हम इन दोनों बातों को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये जाकर अवश्य विचारिए, पूछिए, क्योंकि ऐसा कोई भी ग्रंथ है ही नहीं जिस ग्रंथ के अंदर किसी देवी देवता ने इतनी हिम्मत की हो अपने आप को ईश्वर बोलने की। याद रखिए, जब जाएंगे आपको क्या मिलेगा कि पहले अपना अनुभव मैं बताता हूं, जहां तक मैं अपने अभ्यास को लेकर गया हुआ हूं, हो सकता है और होगा भी कि मेरे से अधिक अभ्यास करने वाले होंगे, इसलिए चैलेंज आपके सामने रखा हुआ है। तो मैं जहां तक पहुंचा हूं, मुझे अभी तक ग्रंथों के अंदर ऐसा एक भी तत्व, एक भी पुरावा मुझे आज तक नहीं मिला कि कहीं ब्रह्मदेव ने कहा हो कि मैं ईश्वर हूं मेरा पूजन करो, कहीं महादेव ने कहा हो मेरा मैं ईश्वर हूं मेरा पूजन करो, मैं विष्णु हूं मेरा पूजन करो, मैं ईश्वर हूं ऐसा बोला गया हुआ हो, या मैं श्री रामचंद्र ईश्वर हूं मेरा पूजन करो, या मैं श्री गुरु नानक देव जी हूं मेरा पूजन करो, ऐसा नहीं। इन्होंने समाज को एक उत्तम मर्यादा दी हुई है, उत्तम संस्कार दिए हुए हैं, इन सब के अंदर दिव्यता अवश्य है, ये सब हम सबके लिए श्रेष्ठ हैं, किंतु ईश्वर नहीं है। इनके अंदर दिव्यता बहुत सारी है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक देवता के अंदर, वो सारी की सारी देवताएं दिव्यता के साथ भरी हुई हैं, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। ईष्ट हो सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकते, इसलिए एक्सेप्ट कीजिए और परमात्मा के पास आने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि अजो अपि सन्निव्यात्मा, कि मैं अजन्मा होने के बाद भी, अविनाशी होने के बाद भी किसी को समझ में आता हूं तो किसी को समझ में मैं नहीं आता हूं। और दूसरा, यहां पर भगवान जी ने अजन्मा क्यों कहा? अब आप लोग बोलोगे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने तो जन्म लिया माता देवकी के गर्भ से, पिता देव वसुदेव को निमित्त करके, और जो श्री दत्तात्रेय महाराज जी हैं उन्होंने भी जन्म लिया हुआ है माता अनुसुईया को निमित्त करके, पिता अत्रि को निमित्त करके, और जो श्री गोविंद ब्रह्म महाराज जी हैं उन्होंने भी जन्म लिया, और आप कहते हो कि भगवान जी अजन्मा होते हैं, क्योंकि सिद्धांत सभी ईश्वर अवतारों के ऊपर ही लागू होगा। इसका तात्पर्य क्या है, जन्म लेने का तात्पर्य क्या है, कि जो साधारण व्यक्ति जन्म लेता है वो परतंत्र होता है। परतंत्र कैसे, कि उसे नहीं पता कि मुझे लड़का बनना है कि लड़की बनना है, किस माता पिता के घर में जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, आगे जाकर मेरा जीवन क्या होगा। ऐसे हम सबका जन्म कैसे है, परतंत्र होकर। लेकिन परमात्मा का जन्म कैसे है, परतंत्र होकर नहीं, स्वतंत्र, अपनी मर्जी से। परमात्मा अपनी मर्जी से जहां जाना है वहां जाएंगे, जिसे माता पिता बनाना है उसे माता पिता बनाएंगे, कब जाना है किस दिन जाना है परमात्मा अपनी स्वातंत्री से जाते हैं, और परमात्मा ने कितनी आयु का स्वीकार करना है, किस वेशभूषा का स्वीकार करना है, किस शहर के अंदर जाना है, किस गांव के अंदर जाना है, किस राज्य के अंदर जाना है, ये परमात्मा स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए अजन्मा। परमात्मा कैसे हैं, अजन्मा यहां पर कहे गए हुए हैं। और दूसरा, परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेते, परमात्मा अवतार लेते हैं, इसलिए अजन्मा। और जीव कैसे है, जन्म लेता है, और जीवात्मा को क्या है, जन्म लेने के लिए रज और वीर्य इन धातुओं की आवश्यकता होती है, और परमात्मा को इन धातुओं की किंचित मात्र में, क्योंकि माता और पिता की ये धातुएं परमात्मा के अवतार लेने में उपयोग अवश्य जाती हैं, ऐसा हमारा सिद्धांत मानता है, लेकिन किंचित मात्रा के अंदर इन वस्तुओं का परमात्मा को आवश्यकता रहती है ऐसा। इसलिए हम परमात्मा को क्या बोलते हैं, अजन्मा और अविनाशी।
और दूसरी बात, परमात्मा के अवतार के अंदर और जीवात्मा के जन्म के अंदर हम भेद क्या देखते हैं कि जब एक बालक पैदा होता है, बालक पैदा हुआ, पैदा होने के पश्चात गर्भ से बाहर आया, गर्भ से बाहर आने के पश्चात थोड़ा सा बड़ा हुआ, बड़ा होने के पश्चात थोड़ा सा बाल अवस्था के अंदर पहुंचा, फिर किशोर अवस्था के अंदर पहुंचा, यौवन अवस्था के अंदर पहुंचा, वृद्धाप्य अवस्था के अंदर पहुंचा, मर गया। ऐसी सामान्य जीव की गति रहती है, लेकिन परमात्मा की गति कैसी रहती है कि परमात्मा ने जीव अवतार को धारण किया, गर्भ से परमात्मा बाहर आए, बाहर आने के पश्चात या कभी कभी क्या होता है कि परमात्मा गर्भ को जब धारण नहीं करते हैं तो परमात्मा कैसे हैं, बाहर ही रहते हैं। बाहर रहने के पश्चात जब वो माता पिता परमात्मा को निवेदन करते हैं कि आप गर्भ में आए तो हमें कृतार्थ करें, फिर परमात्मा गर्भ में जाते हैं। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का जन्म होने वाला है उस समय क्या है कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपनी चारों भुजाओं को लेकर प्रकट हो चुके हैं, अपना बड़ा सा स्वरूप माता को दिखा रहे हैं। तो माता देवकी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से क्या कहती है कि हे प्रभु, मुझे आपके इस स्वरूप से कोई लेना देना नहीं, आप मुझे शिशु अवस्था में ही प्राप्त चाहिए, इसलिए आप मेरे गर्भ के अंदर आओ, आप मेरे गर्भ के अंदर आओ और मुझे माता होने का सुख प्रदान करो, और मैं आपको माता की तरह दुग्ध पान करवाना चाहती हूँ, इसीलिए इस अकराल विकराल बड़े रूप को आप समाप्त कर दो। तो ऐसा प्रकार भी हमें कहीं कहीं पर प्राप्त होता है कि परमात्मा प्रकट होते हैं तो कहीं पर परमात्मा गर्भ में आकर अवतार को धारण करते हैं। तो यहां पर क्या है, परमात्मा जब किशोर अवस्था के अंदर पहुंच जाते हैं तो किशोर अवस्था के पहुंचने के पश्चात चाहे अनंत काल बीत जाए परमात्मा किशोर ही रहते हैं, ना परमात्मा की दाढ़ी आती है ना परमात्मा की मूछ आती है। हाँ, आज के समय में किसी ने फोटो में लगा दी हो या चित्र में लगा दी हो वो अलग की बात, आप भगवान श्री कृष्ण महाराज की या किसी भी देवी देवता की, महादेव को थोड़ा साइड पे रखिए, देवता की फोटो आप देखिए, आप उसमें क्या देखते हो कि जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कंस का वध करते हैं तब भी भगवान जी किशोर अवस्था के अंदर हैं, कोई भगवान जी को दाढ़ी मूछ नहीं है, और जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी द्वारकाधीश बन चुके हुए हैं और जब महाभारत का युद्ध होता है तब भी भगवान जी किशोर अवस्था के अंदर ही हैं, कोई दाढ़ी नहीं, कोई मूछ नहीं आई हुई। आप देखते हो भगवान जी के चित्र भी देखते हो, क्योंकि भगवान जी के चित्र हमें या तो बाल अवस्था के प्राप्त होते हैं या किशोर अवस्था के, बुढ़ापे के चित्र हमें मिलते ही नहीं, वास्तविकता है, क्योंकि परमात्मा को कभी भी बुढ़ापा नहीं आता, जरा केवल इस शरीर जीवात्मा को आती है। परमात्मा जिस अवतार को लेते हैं उस अवतार के देह में बुढ़ापा कभी नहीं आता है, इसलिए भगवान जी कैसे हैं अजन्मा। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का चरित्र भी आप कभी कभी देखते हो तो भगवान जी वहां पर क्या बोलते हैं कि मादाईसा या बाईसा जी जो पास में है कि भाई ये मंदिर जो सामने दिखाई देता है इस मंदिर को इतना इतना समय हो चुका है, तो वो भक्तानिया कहती है प्रभु आप 25-26 साल के दिखाई देते हो और आप बातें करते हो 200-400 साल की, और आप बोलते हो जब राजा ये मंदिर बनवा रहा था तो मैं यहां पर था, अर्थात 25 साल का वो परमात्मा क्या कहता है कि जब 400 साल पहले वो मंदिर बनाया गया मैं वहीं पर था, मतलब कि परमात्मा को 400 साल हो चुके हैं, लेकिन परमात्मा को बुढ़ापा कभी नहीं आता, इसीलिए परमात्मा कैसे हैं अजन्मा। परमात्मा जन्म लेने के बाद भी जो जन्म लेने के बाद जो नियम इत्यादि होते हैं, शरीर की अवस्थाएं इत्यादि होती हैं, उन अवस्थाओं में परमात्मा नहीं रहते हैं। और एक और बात, हमने संकष्ट वज्र पंजरु पढ़ा था, उसके अंदर हम पढ़ते हैं 25-27 दिशा भीतरी दिशे ऐसी वय कि परमात्मा की जो आयु है वो कितनी है 25-27 साल की। अब देखिए बाईसा जी हैं
बाईसा जी भगवान जी के पास आती हैं, बूढ़ी हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, या कोई एक बालक आप ले लीजिए भगवान जी के पास आता है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का कार्यकाल कोई इतना लंबा नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की बात ही आप ले लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जब युद्ध समाप्त हो चुका हुआ है, उस समय भगवान जी जब स्यमंतक एक त्योहार इत्यादि आया हुआ है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गोपियों से मिलने का एक नियोजन बनाते हैं। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गोपियों से मिलते हैं, कोई त्योहार है वहां पर, तो वहां पर क्या है, गोपियां सारी की सारी बूढ़ी हो चुकी हैं और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी वैसे के वैसे ही हैं। अब गोपियां और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हम उम्र के हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी वैसे के वैसे ही हैं, गोपियां बूढ़ी हो चुकी हैं। तो ऐसे भगवान ईश्वर कैसे है, अजन्मा, अर्थात जो जन्म की विधियां होती हैं उसके अंदर परमात्मा अपने आप को नहीं ढालते हैं। और दूसरा, परमात्मा को अजन्मा, अविनाशी और ईश्वर हम कैसे माने, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी 6 दिन के हुए, छठी का जो हम त्योहार मनाते हैं 6वें दिन का, तो उस 6वें दिन के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अकराल विकराल उस पुत्रा को मार रहे हैं, जिस पुत्रा का शरीर कैसा बोला जाता है, 2.5 योजन का, 1 योजन 12 किलोमीटर, 2 योजन 24 किलोमीटर और 24 और 6 30 किलोमीटर, अर्थात द्वापर युग की पूतना और 30 किलोमीटर लंबा उसका शरीर है, उसे 6 दिन का बालक मार रहा है। 6 दिन के बालक को जब माता दुग्ध पान करवाती है तो उसका मुख पकड़कर अपनी छाती पर लगाती है, तब उसे पता चलता है कि मैंने दूध कैसे पीना है। और 6 दिन के भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उस पूतना का वध कर रहे हैं, इसीलिए अजन्मा अविनाशी, अर्थात परमात्मा का ऐश्वर्य कैसे है यह परमात्मा यहां पर दिखाते हैं। उसके पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और आगे 3 महीने के होते हैं तो शक्टासुर को मार देते हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी 1 वर्ष के हुए तृणावर्त को मार दिया, 5 वर्ष के हुए अघासुर को मार दिया, और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जब 7 वर्ष के होते हैं तो गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, और 11 वर्ष 56 दिन के जब होते हैं कंस को मार देते हैं। ये ऐश्वर्य भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का है, और ऐसा ऐश्वर्य आप किसी भी देवी देवता के अंदर, अपने इष्ट के अंदर हमें दिखा दीजिए। जिन इष्टों की आप भक्ति करते हो वो इष्ट कैसे हैं, रुदन करते हैं, रोते हैं, सामने कोई राक्षस आ जाए उनको मारने के उपाय ढूंढते हैं, जब कोई तृतीय व्यक्ति बताता है कि महाराज इसे ऐसे मारिए, तब महाराज को समझ आती है कि इसे ऐसे मारना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को किसी ने नहीं बताया पूतना को कैसे मारो, अघासुर को कैसे मारो, तृणावर्त को कैसे मारो और कंस को कैसे मारो, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को किसी ने नहीं बताया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ईश्वर हैं, इनके व्यतिरिक्त छाती ठोक कर कोई भी देवी देवता अपने आप को ईश्वर नहीं बोलता है, लेकिन हम अविवेकी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की मौजूदगी के अंदर अन्य देवी देवताओं को ईश्वर बोलते हैं। तो कहीं कहीं उन देवी देवताओं को भी संकोच होता होगा कि ये मूर्ख प्राणी क्या करते हैं, क्योंकि जब कोई गुरु जब बोल दे कि आप सबने हमें गुरु बोलना है, क्योंकि जो सच्चे गुरु होते हैं वो कभी भी अपने शिष्यों को कभी नहीं बोलेंगे कि हमें परमात्मा बोलो, क्योंकि गुरु का ओहदा अलग रहता है, गुरु का महत्व अलग रहता है, ईश्वर का महत्व अलग रहता है, और वो सारे के सारे पंत बहुत श्रेष्ठ हैं, सिद्ध हैं, जो अपने आप को गुरु ही मानते हैं, अपने आप को ईश्वर मानने का आदेश नहीं दिया, गुरु अलग ईश्वर अलग। तो ऐसे पंत बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो सत्यता का बोध करवाते हैं, सत्य बताते हैं। तो यहां पर जहां पर गुरुओं को ही ईश्वर माना जाता है वो भी कैसे है, असत्य मिथ्या
ये वो भी सारे के सारे मिथ्या आचरण करते हैं। इसीलिए ऐश्वर्य को ढूंढिए। जिस व्यक्ति के अंदर ऐश्वर्य आपको मिलता है वो ईश्वर होता है। जिनके अंदर सामान्य दिव्य गुण प्राप्त होते हैं उन्हें हम देवता या दिव्य पुरुष बोल सकते हैं। ईश्वर और देवता के भेद को समझिए और समझकर आचरण कीजिए, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है ये कैसा है, उस मटके की न्याई, जिस मटके के अंदर एक छोटा सा छिद्र हो चुका है और क्षण प्रति क्षण बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है, और जब पानी समाप्त हो जाएगा तब वो मटके का जो महत्व है वो भी समाप्त हो जाएगा। वैसे ही हमारा शरीर क्या है, एक मटका। इसके अंदर आत्मा कैसी है, पानी की तरह, श्वास पानी की तरह वो घट घट निकलते जा रहे हैं, कहीं ईश्वर को पहचानने में देरी ना हो जाए। और हम अंतिम समय के अंदर बोले कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बार बार हम सब जीवात्माओं को सचेत करते रहे कि अले भरे प्राणियों, मैं सबका ईश्वर हूं, मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन हम सब इधर उधर भटकते रहे, हमने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा समय उपस्थित ना हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को जानिए और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को जानकर उनके ज्ञान के अनुसार आचरण करने का प्रयास कीजिए। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दिव्य तत्वों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए भगवान जी से यही प्रार्थना कि हम सब जीवात्माएं आपके सत्य स्वरूप का ज्ञान कर पाएं, सत्य स्वरूप को जान पाएं और हमारा भी कहीं ना कहीं उद्धार हो। ऐसी सदिच्छा के साथ आज का सत्र यहीं पर समाप्त किया जाता है। तब तक के लिए सभी श्रोतागणों को, माता भगनी को, प्रिय बंधु बांधवों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।